जय बजरंग बली दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संदीप बागोरिया। कैसे हो दोस्तों आप सभी? सो दोस्तों, सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान राम आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर अपना आशीर्वाद सदा बनाए रखें। सो गाइस, आज मेरे पास जो वीडियो क्लिप है वो है आर के आर हिस्ट्री की कल की वीडियो की। दुर्लभ कश्यप के ऊपर उन्होंने वीडियो बनाई थी, सो उसकी वीडियो की क्लिप है मेरे पास। ये क्लिप देख लीजिए, उसके बाद आप मेरे पास आगे बात करते हैं। वो एक बंदा है और उस एक बंदे के लिए ये वीडियो शूट हो रही है। आज रात को इतनी दूर उस एक बंदे के लिए आए हैं, अपनी माँ का दूध पिया है तो ये वीडियो शूट। दोस्तों उन्होंने कुछ ऐसे वर्डों का इस्तेमाल किया कि इतनी गालियां, मतलब यार फादर की गाली, माँ की गाली, बहन की गाली, इतनी गालियां देकर दिल पे लगी है कि हम बता नहीं सकते। दोनों भाई आपके सामने है, ठीक है। चाहता तो भाई अशोक भाई कैमरा पकड़ते पर नहीं, आज मैं इनको साथ लेके आया हूँ। इसीलिए देखो हम आपसे मीटर के एरिया बात करना चाहते हैं। अशोक भाई एक मिनट। ओहो भाई 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 भाई, देखो मैं यहाँ से जाने के लिए तैयार हूँ। मैं केवल आपसे बात करने के लिए आया हूँ। इस मीटर के जरिए मेरे से बात करने की कोशिश करें। ये कोई और ही है। मेरा उद्देश्य आपको कोई नुकसान पहुंचाने का नहीं है। अगर आप यहाँ पर कोई भी हो तो मीटर पे दो बत्ती दो। आवाज किसकी है भाई? भाई हमने यहाँ की गलती तो नहीं करी ना भाई? भाई 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 भाई, अगर आप यहाँ पर कोई भी हो तो दो बत्ती दो। भाई साइन आ रहे हैं पर भाई ये बात करने मूड में नहीं है यार। भाई मीटर पे भाई आराम से। भाई निकलना पड़ेगा यार, बात करो। एक मिनट रुक जाओ भाई। बत्ती आई क्या आप भाई? आराम से। अरे यार भाई आराम से इस तरफ आओ, पास में हो भाई, इस तरफ आ जाओ भाई। लो यहाँ से, मैं बोल रहा हूँ सर, किलोमीटर लो यहाँ से भाई। भाई निकलने में ज्यादा लग जाएगी भाई, आ जाओ आगे। भाई भाई चलो। भाई आराम से। सो गाइस, आपने क्लिप देख लिया, कैसी लगी आपको ये क्लिप? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस क्लिप की शुरुआत में ही अशोक भाई और आर के आर सामने है। यूजुअली क्या होता था कि जो अशोक भाई है वो कैमरा वर्क संभालते थे और कैमरे के सामने रहते थे आर के आर, लेकिन आज दोनों सामने आए हैं। रीजन यह है कि किसी व्यूअर ने, सब्सक्राइबर ने, किसी व्यक्ति ने, मुझे नहीं पता वो कौन था, उसने इनको मैसेज किया, बहुत ही गलत शब्दों का यूज किया, माँ बहन के बारे में बहुत ही अपशब्दों का यूज किया और इनको चैलेंज दिया कि आप दुर्लभ कश्यप की आत्मा को बुलाओ और उससे बात करो, और माँ के दूध को भी इनके ललकारा गया। तो इस तरीके के कुछ शब्द यूज किए गए और इसीलिए जो आर के आर और अशोक भाई हैं दोनों कैमरा के सामने आए और उन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए इन्वेस्टिगेशन कह लीजिए शुरू की। तो गाइस सबसे पहले तो अपने क्लिप तो देख ली है, सबसे पहले तो मैं यार उस भाई को बोलना चाहूँगा जिसने इस तरीके के शब्द यूज किए कि यार माँ बहन तो आपके घर में भी होंगी, किसी की भी माँ बहन, चाहे आपकी माँ बहन हो या किसी और की हो, सबकी यार बराबर होती हैं। आप क्यों इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हो? आपको थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए कि किसी की भी माँ बहन के बारे में इतने गंदे या अपशब्द यूज ना करें, ठीक है? क्यों बोलते हो आप इस तरीके से? अगर आप इस तरीके से बोल रहे हो तो यार ये आपके संस्कार दिखाते हैं कि आपको किस परिवार में किस तरीके के संस्कार मिले हुए हैं, या आपकी ऊठ बैठ कैसे लोगों में है। जब इस तरीके के आप गंदे शब्दों का इस्तेमाल करते हो,
किसी के बारे में, तो ये दिखाता है कि आपकी उठ बैठ किस तरीके के लोगों में है या आपको घर में संस्कार कैसे मिले हैं, या थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट आपके अंदर होनी चाहिए कि किसी को भी इस तरीके के शब्द नहीं बोलने चाहिए। तो भाई मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि प्लीज भाई किसी भी भाई के लिए, किसी के लिए भी ऐसे शब्द यूज ना करें। बहुत बुरा लगता है यार कि यार कितनी गंदे शब्दों का आप इस्तेमाल करते हो। चैलेंज सब देते हैं, आप दीजिए, आपने बहुत अच्छा किया, बट जो लैंग्वेज है उसको थोड़ा सा कंट्रोल करके आप बात कीजिए किसी से भी कि यार इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल ना करें। माँ बहन सबकी बराबर होती है, सोचोगे कोई आपको बोलेगा तो आपको कैसा बुरा लगेगा। अगर आपने इंटेंशनली बोला है तब तो भी आपके संस्कार दिखते हैं, या किसी के कहने पे बोला है तो फिर आपका सेल्फ रिस्पेक्ट या आपका ज़मीर मर चुका है कि किसी के कहने पे आप किसी को गालियाँ देते हो। चलिए ये तो यार क्या कहूँ। चलिए लेकिन आगे इस क्लिप के अंदर क्या हुआ कि ऑन कैमरा ही दिखाई दिया कि मतलब सामने से जब ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे यार क्या और अशोक भाई, तो सामने से इधर से उधर से ईंटें पत्थर यानी क्या क्या आके गिर रहा था। मैं भी नहीं कह सकता हूँ वो क्या है क्या नहीं है, कैसे दिख रहा था, क्योंकि कैमरे के सामने से आ रही थी जो ईंटें वगैरह दिख रही थी वो सामने से दिख रही थी। अगर कोई ये कहे कि पीछे कोई है जो वहाँ से बैठ रहा है, बट उनकी डायरेक्शन देखो आप किस तरीके से वो किस तरफ से वो ईंटें आ रही थी तो आप देख सकते हो। कुछ भी कह सकते हैं यार, एक्टिविटी मुझे लगी है। बाकी आपकी क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और पूरी वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेकआउट कर सकते हो। अभी की वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।